कि नेता के स्टेडियम पे एलईडी लगाया गया है, पीए सिस्टम यहाँ पे बनाया गया है। इसके अलावा एसएमएस के द्वारा भी यहाँ पर लोगों को सूचित किया जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पर वेबसाइट को भी अपडेट किया जा रहा है, जिससे कि जीतने वाले उम्मीदवार कौन जीतने वाला है, कौन सबसे आगे चल रहा है, उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। साथ ही में मैं बताना चाहूंगी कि पहला जो चरण है, पहला काउंटिंग का जो वो समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी कौन आगे चल रहा है इसके बारे में आरओ ने कोई घोषणा नहीं की है। कुछ समय बाद इस बात का पता चल जाएगा कि कौन इस समय सबसे आगे चल रहा है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर धीरे धीरे जन सैलाब उमड़ रहा है और लोग अपने आने वाले उम्मीदवार की काफी बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जैसे ही फर्स्ट राउंड अभी खत्म हुआ है, इसकी कुछ क्षण में हमें पता चलेगा कि कौन उम्मीदवार सबसे आगे है, किस पार्टी का उम्मीदवार आगे चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर कड़े सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं, थ्री टायर सिस्टम यहाँ पर किया गया है, उसके बारे में मैं चाहूंगी कि डेनिस आप बताएं। यहाँ पर एक सिक्योरिटी का अरेंजमेंट काफी अच्छा तरीके से किया गया है। एक थ्री टायर सिस्टम है सिक्योरिटी का। जैसे कि हम आपको बता दें कि मरीना पार्क क्रॉसिंग और आरके मिशन यहाँ पर पहला पड़ाव है जहाँ पर सिक्योरिटी चेक किया जा रहा है, और दूसरा जो है गर्ल्स स्कूल जहाँ पर की मतदान की प्रक्रिया की जा रही है, यहाँ का जो एंट्रेंस गेट है वो सेकंड पड़ाव है, दूसरा पड़ाव है। और आखिरी जो है जहाँ पर हॉल है, काउंटिंग हॉल है, उसके सामने में जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है, ये जो है तीसरा पड़ाव है। हम आपको ये बता दें, तीसरा पड़ाव के अंदर में मोबाइल फोन बिल्कुल बना है। किसी भी कैंडिडेट या उनका रिप्रेजेंटेटिव या इवन मीडिया जो उनको जो है मोबाइल फोन लेके जाना सख्त मना है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि वो एसएमएस के थ्रू भी ताजा अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। उनको टाइप करना होगा ANREGGE कैपिटल लेटर में 2014 और इसको उन्हें भेजना होगा 51969। इस नंबर पर वो ₹1 शुल्क पे करके इस नंबर पर एसएमएस भेज सकते हैं और कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है इसके बारे में वो लोग जानकारी ले सकते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर काफी गर्मी है, बट फिर भी लोग यहाँ के पास के जो नेता जो स्टेडियम है, मैं यहाँ से देख सकती हूँ कि वहाँ पर काफी लोग जमा हो चुके हैं और वो लोग ताजा अपडेट वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ